তো আজ নিয়ে এসে গেছি তোমাদের কাছে একটা নতুন ভিডিও, নতুন ধরনের। এটা কোনো ব্লগ নয় বা রাইড নয়, এটা ড্রামা বলতে পারো। এটা পোক্সো অ্যাক্টের কথা তোমরা অনেকেই শুনেছো, পোক্সো অ্যাক্ট বা পোক্সো আইন। তো ওই নিয়েই আমাদের আসানসোল বিধানচন্দ্র কলেজের কিছু স্টুডেন্ট, সাথে আমিও আছি, তো একটা ড্রামা প্লে করে দেখিয়েছি। তো ওই ড্রামার ভিডিওটাই তোমাদের কাছে শেয়ার করলাম। ও, ভিডিওটা পুরো দেখো, আর ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক করে দিও, আর কমেন্টে জানাও যে ভিডিও এমনি আরও তোমরা চাও নাকি, আর চ্যানেলটা করে দিবে সাবস্ক্রাইব আর শেয়ার করতে ভুলবে না। নমস্তে, মে তুহিনা রায়, বিধানচন্দ্র কলেজ, NSS ডিপার্টমেন্ট সে হুম। ফোকসো অ্যাক্ট, আজ হাম লোক এ ফোকসো অ্যাক্ট কে লিয়ে এক ছোটা সা ড্রামা প্লে করেঙ্গে। ভারত সরকার 2012 সাল মে চাইল্ড সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ কে লিয়ে এক আইন পাস কিয়ে হ্যায়, উস বারে মে হাম লোক এক ছোটা সা ড্রামা প্লে করেঙ্গে। ক্যুঁকি হাম লোক ইস ড্রামা কে দৌরান আম আদমি কো এক ছোটা সা জাগরুকতা বাণী দেনা চাতে হ্যায়। বেটি,
आप लोग रो क्यों रहे हैं? आप लोग रोना बंद कीजिए, रोने से कुछ भी नहीं होगा, आप लोग को हिम्मत रखना पड़ेगा। सर प्लीज बैठिए। हाँ मैं बैठ रहा हूँ, पर आप लोग रोना बंद कीजिए प्लीज। आपको पता है 9 साल से लेकर 16 साल की उम्र के छोटे बच्चों के साथ किसी भी तरह का अत्याचार या सेक्सुअल बर्ताव या हरेसमेंट होता है तो वो स्वयं या उसके परिजन पहले पुलिस से जाकर या फिर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में जाकर अपनी समस्या बताकर उसके निवारण के पास आते हैं। तो फिर आप लोगों को रोने से कुछ भी नहीं होगा। आप लोगों को जाकर पुलिस के पास FIR दर्ज कराना चाहिए या फिर केस करना चाहिए। सर हम लोग सब करेंगे। हाँ तो फिर इसमें देर करने की कोई बात नहीं, जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी कीजिए। हाँ तो प्लीज़ आप लोग रोना बंद कीजिए, आप लोग हिम्मत रखिए, रोने से कुछ भी नहीं होगा। जितना हो सके मैं आपका मदद करूँगा। मैं पुलिस को फोन करता हूँ। हेलो सर। हेलो, हाँ बोलिए। मैं एनएसएस वॉलंटियर यूनिट हूँ, एक पॉक्सो एक्ट के बारे में एक FIR दर्ज करवाना था। देखिए ये मामला यौना छात्र है, इस पर लैंगिक अपराध बालकों के संरक्षण अधिनियम द्वारा यानी पॉक्सो एक्ट के मामला दर्ज होना चाहिए। जी सर। जी मैं उसकी मम्मी को दे रहा हूँ, आप उनसे बात कर लीजिए, आप उनसे डिटेल्स में पूछ लीजिए क्या क्या हो रहा है। मेरे को पता नहीं है, मैं उनको दे रहा हूँ। हाँ सर मैं दे रहा हूँ, आप बात कीजिए उनसे। देखिए इस अधिनियम को सरकार ने 2012 में लागू किया था जिससे कि यौन पीड़ितों को पूरी तरह से न्याय मिल सके। 12 के संशोधन गंभीर अपराध के श्रेणी में 18 वर्ष से कम उम्र को रखा गया। इस यौन को 5 प्रकारों में बांटा गया जिसमें धारा 3 के तहत भेदन यौन हमला, धारा 5 के तहत उत्तेजन भेदन यौन हमला, धारा 7 के तहत यौन हमला, धारा 9 के तहत उत्तेजित यौन हमला, धारा 11 के तहत यौन उत्पीड़न और उसके साथ ही धारा 4, 6, 8, 10 व 12 के तहत सजाएं निर्धारित की गई है। और किसी भी प्रकार के यौन आक्रमण पर धारा 4 के तहत 7 वर्ष या आजीवन कारावास या जुर्माने की सजा भी निर्धारित की गई है। ठीक है, मैं हमारे कुछ कांस्टेबल को भेज रही हूँ आप लोगों के पास, आप लोग वहीं रहिएगा। हम लोग घर पे ही हैं सर। धन्यवाद सर। तो मैं आता हूँ। धन्यवाद सर, प्लीज कुछ कीजिए। जी जी, मेरे से जितना हो सके मैं और उतना करूँगा आपके लिए। आप लोग प्लीज रोइए मत, हिम्मत बना कर रखिए, ठीक है? कुछ भी प्रॉब्लम हो मेरे को फ़ोन कर दीजिएगा, मैंने तो आपको नंबर दे दिया है, ठीक है? हम एनएसएस वॉलंटियर आपके साथ हमेशा खड़े हैं। ठीक ठीक है मैम, हम आते हैं। तो चलिए केस शुरू करते हैं। तो ये केस पॉक्सो एक्ट के तहत में है। यदि पीड़िता चाहे तो वो अपने माँ बाप के साथ अपने घर पे रह सकती है। तो आप चाहते क्या है? मैं चाहती हूँ मेरी बेटी को इंसाफ मिले और मेरी बेटी सुरक्षित रहे। ठीक है, आपकी बेटी जब तक चाहे वो बालिका गृह में रह सकती है और वहीं पे वो अपनी सारी पढ़ाई भी कर सकती है। सारे बयानों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत धारा 376 के तहत इस नतीजे में पहुंची है कि राजेश कुमार को 20 साल की सजा सुनाई जाती है। दिस केस इज क्लोज्ड।